हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रामाइजोन की। पेट्रामाइजोन, इसका कॉमन नेम लैम्प्रे भी बोलते हैं इसको। लैम्प्रे क्यों बोलते हैं कि ये जो लैम्प की जलती हुई लो होती है उसकी तरह क्या होती है, ये दिखाई देती है। इसका सामान्य नाम क्या है? लैम्प्रे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रामाइजोन के वर्गीकरण की। पेट्रामाइजोन अपन जानते हैं किस संघ का प्राणी है? पेट्रामाइजोन संघ कोर्डेटा का प्राणी है। कोर्डेटा लक्षण आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन लक्षण है, पहले की वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। क्या है सबसे पहले पेट्रामाइजोन क्या होती है? एक पूर्ण विकसित क्या हो जाती है? नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर क्या होगा? तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होगा, अपृष्ठ तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होगा, पुच्छ की उपस्थिति पाई जाती है। दो तीन मुख्य लक्षण है जिससे क्या पता लगता है कि पेट्रामाइजोन कौन संघ का प्राणी है? कोर्डेटा संघ का प्राणी है। अगर बात करें समूह की, समूह कौन सा इसका? वर्टिब्रेटा। समूह वर्टिब्रेटा का अर्थ क्या है कि जो इसकी नोटोकोड है वो किसमें चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। नोटोकोड में क्या होता है? नोटोकोड इस प्रकार से एक छड़ समान रचना होती है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? ये छड़ समान रचना जब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नोटोकोड। और इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकोड जब वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है तो कौन सा समूह होता है? वो वर्टिब्रेटा समूह होता है। अब बात करते हैं उपसंघ की। तो वर्टिब्रेटा समूह में दो उपसंघ होते हैं, पहला है उपसंघ एग्नेथा, दूसरा है उपसंघ गैनेथोस्टोमेटा। इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? इसका वर्गीकरण किया गया है जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर। मतलब अगर वर्टिब्रेटा में के समूह वर्टिब्रेटा के जंतुओं में अगर जबड़े उपस्थित हैं तो वो किस उपसंघ के प्राणी होंगे? वो होंगे गैनेथोस्टोमेटा के प्राणी। और अगर जबड़े अनुपस्थित हैं तो किसके प्राणी होंगे? एग्नेथा के। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका प्राणी है? एग्नेथा का। मतलब इसमें जबड़े क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। नेक्स्ट इसमें वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। साइकिल का मतलब होता है चक्रीय। सो जो मुख होता है वो कैसा होता है? चक्रीय। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कैसा मुख प्रेजेंट होता है इसका? चक्रीय मुख होता है। और जबड़े क्या होते हैं इसके अंदर? अनुपस्थित होते हैं। इसका वंश कौन सा है? पेट्रामाइजोन, ठीक है। अगर अपन बात करें मोस्टली एग्नेथा की तो इसकी जो अधिकांश जंतु है वो क्या हो चुके हैं? आज विलुप्त हो चुके हैं। तो पेट्रामाइजोन एक मतलब कुछ ही उन जंतुओं बाकी है जो क्या है? एग्नेथा के जो जंतु आज जीवित है उनके अंदर ये क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी स्वभाव आवास की। तो नॉर्मली जो पेट्रामाइजोन होती है समुद्री जल में क्या होती है? पाई जाती है। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, जापान, चिली आदि के आसपास जो समुद्र हैं उन समुद्रों में क्या होती है? ये पाई जाती है। एक चक्रीय मुख प्रेजेंट होता है जहां पर एक जीवा प्रेजेंट होगी और बहुत सारे क्या होंगे? दांत प्रेजेंट होंगे। जीव कैसा है? ये परजीवी जीव है। मतलब दूसरी बड़ी मछली और कछुओं के ऊपर परजीवी के रूप में क्या होता है? ये पाया जाता है। इसके अलावा ये मांस पक्षी होता है, मतलब दूसरे जीवों को मारकर उन्हें खा भी सकता है, लेकिन मोस्टली किस रूप में रहना पसंद करता है? परजीवी के रूप में रहना पसंद करता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक मछली है तो ये उस मछली के निचले हिस्से पर यहां पर तो जो मुख कीप होगा ये निर्वात पंप की तरह कार्य करेगा। निर्वात पंप क्या होगा? जैसे मुख क्या होगी, यहां से जब निर्वात बनेगा तो अगर किसी सतह पर चिपकाएगा तो क्या होता है? चिपक जाता है। तो उसके ऊपर इस प्रकार से क्या होता है? ये चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके बाद ये जो अपने दांत और जीभ की सहायता से जो भी नुकीली होती है दांत और जीभ की सहायता से त्वचा को खुरच कर वहां से खून निकाल देती है और उस खून को क्या करती है? भक्षण करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न छिद्रों की तो उसमें क्या मिलता है? मुख पाया जाता है, नासक छिद्र होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं, अवस्कर और संवेदी छिद्र क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मुख होगा जो कीप नुमा संरचना होगी उसके अंदर क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। एक पिस्टन मतलब नॉर्मली इस तरह से होता है, मुख क्या होता है इस प्रकार से खुला हुआ होता है। जो एक क्या होगी बंद करने के लिए क्या होगा? जो जीवा होगी पिस्टन इस तरह का रहेगा, जब मतलब जीवा ने आगे इसको बंद कर दिया फिर पीछे जाते मुख खुल जाएगा और वापस क्या होता है इस तरह से बंद हो जाता है। तो एक पिस्टन जैसी जीवा होती है जो मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। नासक छिद्र की बात करें तो जो शरीर की जो पृष्ठ सतह होगी शीर्ष भाग की जो पृष्ठ सतह होगी वहां पर मध्य भाग में क्या होगा? एक नासक छिद्र क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट पीछे क्या मिलता है? पारदर्शी क्षेत्र होता है जहां पर एक पीनियल अंग भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोम क्षेत्र की। तो क्लोम समझ जानते हैं कहां मिलते हैं? पेट्रामाइजोन के पार्श्व में, मतलब इधर क्या मिलेंगे? पार्श्व दिशा में, दोनों पार्श्व में क्या मिलेंगे? क्लोम क्षेत्र प्रेजेंट होंगे। वहां पर गिल छड़े भी क्या होती है? पाई जाती है। लंबवत पंक्ति में क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? अवस्कर प्रेजेंट होता है। अवस्कर क्या होता है? जब उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ और अपचित पदार्थ दोनों क्या हो एक छिद्र द्वारा ही बाहर निकले तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं? अवस्कर बोलते हैं। मतलब जो मूत्र जनन नलिका और गुदा वो दोनों क्या होंगी एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलेंगी तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं? अवस्कर बोलते हैं।
तो कहां पर जॉइंट होगा, जो शरीर की अधर सतह होगी, जहां पर धड़ और पूंछ आपस में मिलते हैं, उस स्थान पर क्या होगा, एक छिद्र के रूप में मूत्र जनन और गुदा दोनों क्या होते हैं, बाहर की ओर खुलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके संवेदी छिद्र की, तो यहां पर क्या जो शरीर की सिर और धड़ के पार्श्व सिरे पर क्या होते हैं, त्वचा पर अनेक छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ये संवेदी छिद्र कैसे होंगे, संवेदी प्रकृति के होते हैं। किसका ज्ञान करवाते हैं, जो जल धारा होगी उसका ज्ञान ये मछली को यानी पेट्रामाइजोन को करवाते हैं। अब बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना और कार्यिकी की। तो अगर हम बात करते हैं इसकी त्वचा की, तो जो शरीर की सबसे बाहर क्या होती है, मतलब बिल्कुल कोमल चिकनी और लसलसी इसमें त्वचा प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होगी, एपिडर्मिस कोशिकाओं की बनी होगी। एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच में कुछ कुछ लेश्म ग्रंथियां भी क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो त्वचा के अंदर बहुत सारे संयोजी उत्तक ग्रंथवाहिनियां और वसा की संरचनाएं भी क्या होती है, यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो त्वचा होगी, त्वचा के जस्ट नीचे क्या मिलेगी, पेशियां मिलेंगी। तो पेट्रामाइजोन अपन जानते हैं बहुत तेजी से क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। तो तेजी से गमन करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, सॉरी गमन करने के लिए क्या होती है, यहाँ पर छोटी छोटी खंडीय पेशियां क्या होती हैं, जो धड़ भाग और पूंछ भाग में प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली अपन जानते हैं खंडित पेशियों और मायोटोम्स भी बोलते हैं, एम्फोसिस में देखते हैं वहां पर छोटे झुंड के रूप में क्या होती है, पेशियां पाई जाती हैं। कंकाल की बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, नोटोकोड पाई जाती है, जो मुख्य कंकालीय रचना है। जो कंकाल होता है मोस्टली किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ क्या होता है, इसके अंदर कंकाल पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, जैसे शलाका समान, मतलब जो कंक सॉरी नोटोकोड होगा वो कैसा होगा, एक जिलेटिनी शलाका के समान होगा, जो बाद में इसमें चेंज हो जाता है, वर्टेब्रल कॉलम में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये थे पेट्रामाइजोन के कुछ सामान्य लक्षण। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रामाइजोन के विभिन्न जो क्रियाएं होगी, पाचन श्वसन उत्सर्जन के बारे में। पेट्रामाइजोन में अपन को डिटेल में नहीं देखते हैं, अपन छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, नॉर्मल जो मतलब ओवरव्यू ही देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रामाइजोन के पाचन की। नॉर्मली मैंने बताया था आपको जो पेट्रामाइजोन होती है वो कैसा जीव होता है, परपोषी होता है, जो क्या कर रहता है, दूसरे जीव की त्वचा पर चिपका हुआ रहेगा और उससे क्या करता है, लगातार खून चूसता रहता है। तो मुख का कौन काम आएगा इसके लिए, मुख काम आएगा, मुख क्या होता है, जगह से चिपका हुआ होता है, बंद करने और खोलने का काम कौन करती है, इसकी जिह्वा करती है। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले इसकी जिह्वा होगी वो क्या करेगी, जो दूसरा जीव होगा उसके जो त्वचा को खुरच कर वहां से ब्लड निकाल लेगी और उससे क्या करेगा, उसको लगातार ग्रहण करती रहेगी। इसकी जो लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथियों में क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिस्कंदक पाया जाता है। प्रतिस्कंदक का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रक्त का थक्का जमने से क्या करेगा, रोकेगा। तो उस प्रतिस्कंदक के प्रभाव से जो भी इसका परपोषी है उसे लगातार ब्लड निकलता रहेगा और ये क्या करती रहेगी, उसे अपने मुख द्वारा ग्रहण करती रहेगी। पाचन तंत्र की बात करें तो इसके अंदर मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, आंत्र पाई जाती है, अमाशय पूर्ण रूप से भी स्पष्ट इसमें नहीं पाया जाता। तो ग्रसनी से कहां आता है, मतलब भोजन मुख जीव से ग्रसनी में आता है और वहां से फिर कहां चला जाता है, आंत्र में चला जाता है। आंत्र में जो पाचक ग्रंथियां वो क्या करती हैं, भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रामाइजोन के श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है, अब जानते हैं श्वसन में क्या होगा, जो बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन क्या जाएगा, शरीर के अंदर लिया जाएगा तथा शरीर में जो रुधिर में उपस्थित CO2 है उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो श्वसन के लिए हम जानते हैं यहाँ पर इसमें क्या मिलता है, जैसे अगर मैं सिर्फ पार्श्व भाग बना रहा हूँ पेट्रामाइजोन का, पार्श्व भाग में यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से गिल छड़े प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर क्या होता है, कुल मिलाकर 7 जो गिल छड़े क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो होगा क्या, यहां से जो रुधिर वाहिनियां आएंगी, यहां से क्या होता है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियां आती हैं और यहां पे इस प्रकार से रुधिर वाहिनियां इसके अंदर गिल छड़ों में निकलती हैं। जल में अपन जानते हैं यहाँ पर जो जल प्रेजेंट है, जल में ओटो की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, गिल दरारों में जो जल प्रेजेंट है, जल में क्या है, घुली हुई ओटो की सांद्रता ज्यादा है। वही अपन CO2 की बात करें तो CO2 की सांद्रता यहाँ पर क्या है, कम है।
इसी कंपेरिजन में बात करें अपन तो रुधिर में O2 की सांद्रता क्या है, कम है, और CO2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो विसरण का सामान्य नियम यहाँ पर काम करेगा। विसरण में क्या होता है, जो गैस होगी अधिक सांद्रता से किधर जाएगी, कम सांद्रता की ओर विसरित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जल हो सॉरी ऑक्सीजन होगी वो जल से कहां चली जाएगी, रुधिर में चली जाएगी, और CO2 होगी वो कहां जाएगी, रुधिर से कहां चली जाएगी, जल में चली जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान होगा कहां पर होगा, गिल्स के अंदर होगा। यहाँ पर क्या होगा, O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा और इसमें क्या श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। तो इसका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है एम्फियोक्सिस से। एम्फियोक्सिस में मैंने देखा था, हालांकि एम्फियोक्सिस में हृदय अनुपस्थित था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हृदय प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर जो शरीर के अधर भाग पे एक सिरा कोप्टर या फिर साइनस विनोसस नाम की संरचना प्रेजेंट होगी। जैसे किसमें प्रेजेंट थी, एम्फियोक्सिस में प्रेजेंट थी। तो सिरा कोप्टर में क्या होता है, पूरे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, पूरे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो लाकर कहां एकत्रित किया जाता है, इस सिरा कोटर या फिर सिरा पात्र में क्या होता है, इसे एकत्रित किया जाता है। सिरा पात्र इस रुधिर को कहां डाल देगा, हृदय में डाल देगा। ठीक है, सिरा पात्र इस रुधिर को कहां डाल देगा, हृदय में डाल देगा। अगर अपन बात करें मेट्रोमाइजोन के हृदय की, तो यहां पर दो कपाट प्रेजेंट होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। तो सिरा कोटर पहले से किसमें डालेगा, आलिंद में, और आलिंद से किसमें डालेगा, निलय में। फिर निलय क्या करेगा, इसे क्लोम्स की तरफ पंप कर देगा। तो ब्लड किधर जाएगा, गिल्स की तरफ क्या करेगा, इसको पंप करेगा। तो ये जो धमनी होगी, ये होगी अभिवाही धमनी। ठीक है, तो यहाँ अभिवाही धमनी से होते हुए ब्लड इधर आएगा, और यहाँ पर अभिवाही धमनी सात शाखाओं में बटी होगी। अपन क्या बोलते हैं, अभिवाही क्लोमीय धमनी, अगर अभिवाही ब्रैंकियल वाहिनियां बोलते हैं। तो यहां से सात शाखाओं में बटी किधर जाएगी, गिल सड़ों की तरफ जाएगी। जहां पर अपन ने पहले वाले पॉइंट में श्वसन में देखा था, क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो जल से कहां जाएगी, रुधिर में, और CO2 जो होगी रुधिर से कहां जाएगी, जल में चली जाएगी। फिर ये सातों वाहिनियां आपस में मिलकर अपवाही ब्रैंकियल वाहिनियां बनाती है, जो आपस में मिलती है, और यहां पर जो रुधिर अशुद्ध था अब वो यहां पर कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस शुद्ध रुधिर को क्या कर दिया जाएगा, पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाएगा। फिर वहां पर वापिस से वही क्रिया होगी, मतलब जो गैसें होंगी वो उस कोशिकाओं में जाएंगी, कोशिकाओं से CO2 कहां आएगी, रुधिर में, रुधिर क्या हो जाएगा, अशुद्ध। फिर वापिस से पूरा अशुद्ध रुधिर कहां पर आ जाएगा, सिरा पात्र में, और वापिस से कहां पंप कर दिया जाएगा, हृदय में पंप कर दिया जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, रुधिर का लगातार पूरे शरीर में चक्र चलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र की। तो हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें, तो जो वेस्ट मेट्रोमाइजोन होती है उसके अंदर मेसोनेफ्रिक प्रकार के क्या होते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। किडनी कौन सी होगी, मेसोनेफ्रिक प्रकार की होगी। अगर हम बात करें कंपेयर करें इसके लार्वा से, तो इसके लार्वा में प्रोटोनेफ्रिक प्रकार की क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। और वेस्ट में कैसी होती है, मेसोनेफ्रिक। कैसा होता है वेस्ट मेसोनेफ्रिक, मतलब एक फीते के समान होगी, जहां पर ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो क्या काम करेंगे, जो ब्लड में जितने भी नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ होंगे छान कर वो बोमन संपुट में आ जाएंगे, और वहां से उस पूरे मूत्र को एकत्रित करके मूत्र वाहिनी में डाल दिया जाएगा, और मूत्र वाहिनी से अवस्कर से होते हुए कहां निकाल दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो बहुत ही अल्प विकसित क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क प्रेजेंट होता है। मस्तिष्क क्या पाए जाते हैं, द्रक पिंड और घ्राण पिंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द्रक पिंड का क्या अर्थ है, वो पिंड जो किसमें सहायता करते हैं, देखने में सहायता करते हैं, और घ्राण जो किसमें सहायता करते हैं, सूंघने में सहायता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है अपना प्रजनन तंत्र। तो इसमें अगर पेट्रामाइजोन की बात करें, तो इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब तक वो वयस्क नहीं, उन्हें जनन का समय नहीं आया है, तब तक इसमें जो जनन होंगे यानी वृषण और अंडाशय होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे ही इसका जनन काल आएगा उस समय क्या होगा, पेट्रामाइजोन में जनन विकसित होंगे, मतलब नर होगा तो वृषण और मादा होगी तो अंडाशय, वो विकसित होकर जो उसकी उदर गुहा है वहां पर भर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जनन वाहिनी उस टाइम नहीं पाई जाएंगी। युग्मक क्या होंगे, देह गुहा से, देह से बाहर निकलेंगे, देह से मुक्त होकर मूत्र जननिक वेस में आ जाएंगे, जहां से मूत्र जनन छिद्र के द्वारा कहां निकाल दिए जाएंगे, जन्म में विसर्जित कर दिए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली मैंने क्या बताया कि जो पेट्रामाइजोन कहां रहती है, वो समुद्र में, समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जब जनन करती है, जनन हमेशा कहां पे करती है, ये स्वच्छ जल में करती है। तो इसके लिए क्या करती है, ये माइग्रेशन करती है, जनन के लिए क्या करेगी, समुद्री जल से और स्वच्छ जल की तरफ क्या करेगी, ये गमन करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल या फिर जीवन व्रत की। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है इसका जीवन व्रत या फिर लाइफ साइकिल।
देखिए तो पेट्रा मैजून क्या करती है, जैसे मैंने भी बात बताया कि अंड विसर्जन है तो कहां जाती है, नदियों में जाती है। जैसे ही नदी में लौट कर आई, लौट कर आने का मतलब क्या है, क्योंकि जानते हैं अगर पेट्रा मैजून नदी में अंडे देती है तो ऑब्वियस ही बात है जो अभी नदी में आई उसका जन्म भी कहां पे हुआ था, नदी में हुआ था। जन्म लेने के पश्चात वो कहां गई, समुद्र में गई, और अब वापिस जन्म करने के लिए, स्वयं जन्म करने के लिए कहां लौट आई, नदियों में लौट कर आ गई। यहां पर जैसे ही ये स्वच्छ जल में प्रवेश करेगी ये क्या कर देगी, भोजन करना बंद कर देगी। फिर जो नदी की तली होगी वहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर छोटा सा क्या करेगी, वो घोंसला बनाना प्रारंभ कर देगी। नर क्या करते हैं इस कार्य में, मादा की मदद करते हैं। जैसे ही क्या हुआ, मतलब मैथुन क्रिया स्टार्ट होगी, नर की जो मुख कीप होगी जो अपने देखा था, उस मुख कीप के साथ क्या करता है, मादा के जो अग्रभाग है उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब नर क्या करेगा, मादा के इस प्रकार से उसकी जो अग्रभाग उसको मुख कीप की सहायता से पकड़ लेगा। उसके पश्चात क्या करेगा, दोनों शरीर से निपट जाएगा। मादा क्या करेगी, अपने अंडे जो होगी इस मैथुन क्रिया के फलस्वरूप, मादा क्या करेगी, अपने अंडों को उस घोंसले में डाल देगी। फिर नर क्या करेगा, उन अंडों के ऊपर अपने शुक्राणु के स्पर्म्स है उनको छोड़ देगा। अंडाणु शुक्राणु के जो संयुग्मन के पश्चात क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी और क्या हो जाएगा, युग्मक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई उसके पश्चात नर व मादा दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडों का क्या होगा, स्फोटन होगा। स्फोटन के पश्चात यहां से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। पेट्रा वाले उनके लार्वा को अपन क्या बोलते हैं, एमोसिड लार्वा बोलते हैं। आकार की बात करें तो इसका जो आकार होगा लगभग मतलब 7 mm तक लंबा होता है। अंडों की बात करें तो अंडों का आकार कितना होता है, 1 mm तक होता है। अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं और लार्वा क्या कहते हैं अपन, एमोसिड लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमोसिड लार्वा के बारे में। तो पेट्रामाइजून लार्वा होगा, मैंने अभी आकार बताया कितना होता है, 7 mm का होता है। कहाँ रहता है, स्वच्छ जलीय होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रामाइजून कैसी है, स्वच्छ जलीय प्राणी है, सॉरी पेट्रामाइजून कैसी समुद्री प्राणी है, समुद्री जलीय प्राणी। लेकिन जो इसका लार्वा होगा वो कैसा होता है, स्वच्छ जलीय होता है। ये क्या करता है, नॉर्मली दिन के समय अपने बिल में रहता है और रात में क्या करता है, बिल से बाहर निकलकर भोजन ग्रहण करता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, भोजन ग्रहण करने के बाद इसका आकार बढ़ेगा। जैसे ही 7 mm से बढ़ के इसका आकार कितना हुआ, 1.5 cm तक होगा। फिर ये अपने घोंसले को त्याग देगा और जो नदी में जो कीचड़ है वहां पर बिल बनाकर रहने लग जाएगा। और लार्वा अवस्था काफी लंबी होती है, लगभग 3 से 7 साल तक क्या करती है, लार्वा अवस्था रहती है। उस इस समय अंतराल में जो एमोसिड लार्वा होगा वो क्या करेगा, उसका आकार बढ़कर लगभग 17 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एमोसिड लार्वा के लक्षणों की। तो एमोसिड लार्वा के लक्षणों की बात करें तो शरीर कैसा होता है, लंबा और कृमि समान होगा। शरीर क्या होगा, इस प्रकार से लंबा और कृमि समान होगा। शरीर के ऊपर क्या होगा, एक मध्यम पृष्ठ पंख पाया जाएगा। तो मध्यम पृष्ठ पंख क्या होगा, जो ये शरीर का, इसकी कौन सी शरीर की दिशा है, पृष्ठ दिशा है। तो पृष्ठ दिशा के मध्य भाग में क्या होगा, इस प्रकार से एक पंख क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, मुख की नॉर्मली नहीं पाई जाती। और मुख क्या होता है, एक वृत्ता अर्ध वृत्ताकार मुख छद यानी ओरल हुड से क्या होता है, ढका हुआ पाया जाता है। ठीक है, सिर नॉर्मली अस्पष्ट होता है, नासारंध्र और अल्प विकसित क्या होते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। पेट्रामाइजून में अपने देखा था, पेट्रामाइजून नेत्र क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। लेकिन इसके नेत्र क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अल्प विकसित होते हैं। वैसे बात करें तो ये क्या होता है, इसका लार्वा नॉर्मली अंधा ही होता है। पाचन में बात की तो अपने बात की थी, जब पाचन तंत्र बढ़ा था अपने, तो उसके जो वयस्क होता है उसके अंदर क्या होते हैं, यकृत पाए जाते हैं। और यकृत में क्या होते हैं, पित्ताशय और पित्तवाहिनी वयस्क में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, सॉरी वयस्क में एबसेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब लार्वा अवस्था में यकृत में क्या प्रेजेंट होगा, पित्ताशय और पित्तवाहिनी दोनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे ही कायंत्रण होगा, कायंत्रण के समय क्या होगा, इसका जो पित्ताशय और पित्तवाहिनी दोनों क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके उत्सर्जन की बात करें तो जिस मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो उत्सर्जन होगा वहां पर जो रक्त का प्रकार होगा वो प्रोटोनेफ्रिक होगा। वयस्क में क्या होते हैं, मीजोनेफ्रिक पाया जाता है। लेकिन जो लार्वा अवस्था होती है उसमें कौन सा पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिक रक्त पाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात ही क्या करेगा, कायंत्रण करेगा। और कायंत्रण के पश्चात ही क्या होगा, वयस्क पेट्रामाइजून में परिवर्तित हो जाएगा। कायंत्रण में अगर बात करें तो क्या होता है, कुछ विशेष परिवर्तन होंगे शरीर में। लार्वा में क्या होगा, मुख छल किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, ओरल हुड था वो किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, मुख कीप में प्रेजेंट हो जाएगा। साथ ही वहां पर दांत और जीभ भी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। जो इसकी जो पाचन तंत्र में जो ग्रसनी थी, ग्रसनी में एंडोस्टाइल पाया जाता है लार्वा में। लेकिन जैसे ही वयस्क होगा वो एंडोस्टाइल क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहां पर और क्या होगा, पित्ताशय और पित्तवाहिनी में बात कर चुके हैं, अदृश्य हो जाएंगे। प्रोटोनेफ्रस वृक होगा वो किसमें हो जाएगा, मीजोनेफ्रस वृक में परिवर्तित हो जाएगा।
युग्मित नेत्र क्या हो जाएगा, खुलकर क्रियाशील हो जाएगा, बन जाता लार्वांधा होता है लेकिन वयस्क जब क्या सकती देख सकती है। नासा क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अच्छे से विकसित हो जाएगा। अविच्छिन्न जो पंख थे, मतलब आपने देखा था कि इसके शरीर पर इस प्रकार से कंप्लीट पंख थे, वो क्या हो जाएंगे, टूटकर पृष्ठ और पृष्ठ अधर और पुच्छे पंखों में क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। लार्वा का रंग क्या हो जाएगा, लार्वा का रंग पीला भूरा होता है, जो परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा, हरा भूरा हो जाएगा। अब जैसी कायंत्रण होगा तो किशोर लैम्प्रे जो स्वच्छ जल में है, ये तैरकर कहां चली जाएंगी, समुद्री जल में चली जाएंगी, और वहां पर जो अपना जीवन का क्या करेंगी, जो बाकी समय है व्यतीत करेंगी, जनन के समय वहीं वापस लौटकर यहाँ पर नदी में आ जाएंगी। तो ये था आपका पेट्रामाइटोन।